नमस्कार, स्वागत है सभी का बाजार की चाल के अंदर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाठी और बाजार की चाल में चर्चा करने जा रहे हैं यहां पर एक बार फिर से कम्युनिटी बाजार के बारे में। जानेंगे कि शाम के कार्रवाई सत्र में कृषि फसलों का वायदा बाजार NCDEX पर कृषि फसलें कैसे कारोबार करती हुई नजर आ रही है, सुबह के मुकाबले कृषि फसलों के अंदर कितनी मनी तेजी बनती हुई नजर आ रही है और उन पर हमारे एक्सपर्ट की क्या राय है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। ये भी जानेंगे कि आने वाले सालों में वो कौन सी कृषि फसलें होंगी जिनके अंदर अच्छा मुनाफा कमा के चलाया जा सकता है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे अपने एक्सपर्ट से जो कि बहुत जल्द हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले एक जायजा ले लेते हैं कि कौन सी कम्युनिटी किस भाव पर कारोबार करती नजर आ रही है। देख रहे हैं यहाँ पे कैसे सिर का दिसंबर वायदा 6530 पर है, 6568 का ही लगाया है, हल्की सी तेजी है। देख रहे हैं यहाँ पे कैसे सीड का जो वायदा बाजार है आज भी 6500 के सीमित दायरे में कारोबार करता नजर आ रहा है। इसी के साथ बिनौला खल का दिसंबर वायदा भी 2500 के घरों में कारोबार कर रहा है 0.1% की करेक्शन के साथ। देख रहे हैं कि बिनौला खल भी एक करेक्शन के साथ कारोबार करता नजर आ रहा है। तो आज शाम के कार्रवाई सत्र में क्या करके चलना सही रहेगा और आगे वो कौन सी कम्युनिटीज होंगी जिनके अंदर आज आप अच्छा मुनाफा कमा के चल सकते हैं और आने वाले साल में भी अच्छा मुनाफा देखने को मिल पाएगा, आइए जान लेते हैं अपने एक्सपर्ट से। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया जी। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आप हमारे नाम से। नमस्कार। नमस्कार अजय जी। अजय जी, सबसे पहले आपसे कैसे सीड के बारे में जानना चाहूंगा। कैसे सीड में हमने इस वीक के स्टार्टिंग में 6600-6700 के भी लेवल्स आते हुए देखे थे दिसंबर वायदा के अंदर, लेकिन एक बार फिर से देख रहे हैं कि वो लेवल्स कहीं ना कहीं खोते हुए नजर आए और फिर से एक रेंज बाउंड देखने को मिला और कैसे सीड 6500 के घरों में कारोबार करता नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है यहाँ से अब कैसे सीड में तेजी कब तक बन पाएगी और कितनी? देखिए, सबसे पहले अगर कैस्टर की बात करें तो परफॉर्मेंस हमने पिछले 6-8 महीने में काफी अच्छा परफॉर्मेंस बनते हुए देखा। कैस्टर के अंदर रैली भी अच्छी आई। जैसे कि हमने पहले भी कहा था कि 6400 का जो लेवल था वो काफी इंपॉर्टेंट था। टेक्निकली इस वक्त भी अगर हम देखें तो 6400 के ऊपर बिल्कुल प्राइसेस बने हुए हैं, तो अनलेस एंड अंटिल 6400 का लेवल ब्रीच नहीं करता है, आई थिंक मार्केट में तेजी कंटिन्यू रहेगी। पिछले एक महीने में 5.5% की तेजी देखी या जनवरी से अगर हम बात करें तो करीब 45% से ज्यादा की हमने तेजी कंटिन्यू देखी है। सपोर्ट हमें इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि जो इस बार स्विंग हुई है उसमें गिरावट आई है। पिछले 2 साल से हमने स्विंग में गिरावट देखी है। जो कैस्टर ऑयल है इसकी डिमांड ज्यादा है। पिछले साल अगर ध्यान है तो अगस्त के अंदर हमने देखा था कि इंडियन गवर्नमेंट ने भी एक अलर्ट जारी किया था कि चाइना सबसे ज्यादा कैस्टर ऑयल इंडिया से बाय कर रहा है। तो एज ऑफ नाउ इंडिया और चाइना की जो रिलेशंस है वो थोड़े फ्रेजाइल एज पे है, जिसकी वजह से हम डिमांड बढ़ते हुए नहीं देख पा रहे। डोमेस्टिक डिमांड धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है पोस्ट पैंडेमिक को लेकर, बट ओवरऑल अगर हम अगले 2-3 महीने की अवधि की बात करें तो टेक्निकली 6400 के ऊपर मार्केट बहुत अच्छा सपोर्टेड है, डिमांड धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है और कहीं ना कहीं प्राइसेस आगे जाकर 6850 से 7000 तक का भी लेवल दिखा देगा। कभी मान अगर हम 1-2 दिन की बात करें तो आई थिंक 6400 के स्टॉप लॉस से 6500-6520 पे लेके चलिए, इमीडिएट टारगेट जो रहेगा वो 6640-6650 का रहेगा। जी यही सर। जी जी, बात करें अगर बिनौला खल की तो कैसे की तरह ही हमने बिनौला खल में भी एक रेंज बाउंड एक्टिविटी आते हुए देखी है, आपको क्या लगता है क्या नेक्स्ट ईयर आते आते बिनौला खल में कुछ तेजी बन पाएगी? देखिए, आपने अच्छी कमोडिटी पिकअप की है। अगर हम बिनौला खल की बात करें तो पहले हम बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस की। जनवरी से अभी तक इस कमोडिटी में करीबन 26.5% की तेजी दिखाई है। एज ऑफ नाउ पूरे एग्री पैक की अगर बात करें तो सबसे सस्ती कमोडिटी आज की डेट में यही है। जी ढंग से कॉटन की अगर हम क्रॉप की बात करें 370 से 360 से 353 और या उसके नीचे की बातें कर रहे हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में डिमांड है, सप्लाई की टाइटनेस है। एक खास चीज और बताना चाहूंगा, 2 दिन पहले ही डेयरी इंडस्ट्री के ऊपर एक अपडेट आया था जहां पे 9-10% का ग्रोथ 2022 में बता रहे, मतलब डेयरी इंडस्ट्री से डिमांड रहेगा। डेयरी इंडस्ट्री के लिए जो दूध रिक्वायर्ड होता है इसके अंदर पैट की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए और पूरे एग्रीकल्चर कमोडिटी जो हम लोग खिलाते हैं कैटल्स को उसके अंदर खाली मात्र कॉटन सीड ऑयल के ही एक ऐसा है जो दूध में फैट बढ़ाता है। तो मुझे लगता है अगर कोई भी मार्च अप्रैल की व्यू के हिसाब से अगर कॉटन सीड ऑयल के 2500 के करीब लेके चलता है तो आई थिंक 6 महीना जरूर लगेगा, बट ये 4000 का भी लेवल दिखा सकता है। टेम्परेरी अगर हम दिसंबर तक की बात करें तो मुझे लगता है कि 2400-2500 का रेंज बहुत बढ़िया है, यहाँ पे लेना चाहिए 2200 के स्टॉप लॉस से। 2850 से 2900 तक का लेवल कॉटन सीड ऑयल के में देखने मिल जाएगा। जी, तो यानी कि बिनौला खल के जो फंडामेंटल्स हैं ठीक ठाक ही हैं और जैसे कि अजय जी ने भी बताया है कि 2500 के पर खरीद करके चला जा सकता है, 2200 का स्टॉप लॉस रहेगा और 2800 से लेकर 2900 के टारगेट्स अचीव किए जा सकते हैं। यहीं से अजय जी बात करें अगर स्पाइस कॉम्प्लेक्स की तो मसालों में हमने
धनिए को अभी भी देख रहे हैं, धनिए का दिसंबर वायदा 8000 के ऊपर सस्टेन है, और रिसेंटली में हमने जीरा और हल्दी में काफ़ी अच्छी ट्रेडिंग होते हुए देखी है। जीरा और हल्दी दोनों में एकदम से तेजी, कुछ तेजी बनती हुई नजर आई है, आपको क्या लगता है, क्या एक्सपोर्ट डिमांड ज्यादा हुई है या फिर ट्रेडिंग ज्यादा देखने को मिल रही है? देखिए, एक एक करके अगर हम तीनों स्पाइसेस की अगर बात करें तो सबसे पहले हल्दी, हल्दी में जनवरी से अभी तक हमने करीबन 22-23% की तेजी देखी है। बट ध्यान रखिए, स्विंग अच्छी हुई थी, कैरी ओवर स्टॉक भी अच्छा है, जिसके चलते प्राइसेस में हमने 2-4 महीने पहले एक बार अच्छा खासा जंप आते हुए देखा था, बट 8500 के ऊपर प्राइसेस सस्टेन नहीं कर पाए थे। एज ऑफ नाउ हमें लगता है कंफर्टेबल स्टॉक पोजीशन होने की वजह से प्राइसेस एक कंसोलिडेशन जोन में रहेगा। नो डाउट पिछले हफ्ते हमने कुछ वेदर कंडीशन खराब होते हुए देखी थी साउथ में, जिसकी वजह से प्राइसेस को सपोर्ट मिला हुआ है, और हल्दी इस वक्त भी अगर हम देखें तो 73-74 के करीब है। तो आई थिंक अगले महीना दो महीने की बात करें, डिमांड में ऐसा एज ऑफ नाउ कोई ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी जंप नहीं है जो हल्दी को सपोर्ट कर दे, तो मुझे लगता है 7000 से लेकर 7650 का जो दायरा है वो अगले महीना दो महीने तक चलता रहेगा। हाँ, ये जरूर है कि जनवरी से हम देखते हैं कि अगले साल डिमांड में इंप्रूवमेंट होगा, साथ में अराइवल प्रेशर भी रहेगा, तो हल्दी मुझे पूरे मसालों के अंदर एक रेंज बाउंड दिख रहा है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई बड़ा जंप नहीं है। जब तक प्राइजेस में एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई एक्सपोर्ट डिमांड नहीं आती है तो हमें लगता है मार्केट महीने दो महीना ये रेंज ही रहेगा, जो 7000 से लेकर 7700 का जो ब्रॉडर रेंज है महीना दो महीना चलेगा। वहीं दूसरी कमोडिटी है जीरा। जीरे के अंदर धीरे धीरे हमने 2 साल से कैरी ओवर स्टॉक में डिप्लीटिंग होते हुए देखा है, कम होते हुए देखा है, जनवरी से अभी तक करीबन प्राइसेस में 20% की तेजी दिखाई गई है। ओवरऑल हमें लगता है कि जीरा 2022 की टॉप कमोडिटी निकलकर आएगी। हमने इसे पहले भी कहा था कि जीरे में बाइंग करके चलिए, ऑलरेडी हमने प्राइसेस को 13,500 से 15,500 के करीब जाते हुए देख पा रहे हैं। एज ऑफ नाउ हमें लगता है कि एक्सपोर्ट डिमांड अभी इमीडिएटली इंप्रूव नहीं होगी, 20 दिसंबर से धीरे धीरे इंप्रूव होना चालू होगा, जो फरवरी से पहले पहले, फरवरी क्लोजिंग से पहले पहले आपको 21,000 का भाव जीरे में देखने मिल जाएगा। डोमेस्टिक मार्केट में धीरे धीरे फेस्टिव डिमांड है जो इंप्रूवमेंट हो रहा है, सोइंग में भी इस बार ड्रॉप आएगा क्योंकि हमने देखा कि मस्टर्ड और अदर क्रॉप्स के अंदर प्राइसिंग फार्मर्स को अच्छी मिल रही है जी। तो इमीडिएटली दिसंबर तक का तो हमारा टारगेट है 16,200-16,300 का ही, ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं देख रहे क्योंकि डिमांड में एक्स्ट्राऑर्डिनरी जंप नहीं है एज ऑफ नाउ, बट जनवरी फरवरी ऐसा महीना रहेगा जिसमें जीरा और धनिया ये दोनों में जबरदस्त तेजी आएगी, जिसमें 21,000 तक का लेवल हम जीरे में देख रहे हैं, और वहीं धनिया का भी हाल ऐसा ही कुछ है कि कैरी ओवर स्टॉक काफी कम है, प्राइसेस में हमने 5600 से ऑलमोस्ट 8000 का लेवल क्रॉस करते हुए देख चुके हैं। 8500 के ऊपर वीकली क्लोज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, 85-86 के ऊपर एक बार क्लोज होता है तो 92 का तो इमीडिएट टारगेट है, बट अगर हम फरवरी तक की बात करें तो ये कमोडिटी भी ऐसी है जो 12000 तक का भी लेवल दिखाने की ताकत रखता है। तो ओवरऑल स्पाइसेस के अंदर हल्दी रेंज बाउंड रहेगी, लेकिन जीरा और धनिया दोनों कमोडिटी में अगले 1-1.5 महीने में भी तेजी है, और अगले 4-6 महीने की भी बात करें, फरवरी एंड तक की बात करें, तो एक जबरदस्त डबल डिजिट रिटर्न दिखते आते हुए दिखेंगे जी। तो यानी कि मसालों की खुशबू अभी और देखने को मिल सकती है, सिर्फ इस साल के अंत तक नहीं, आने वाले नए साल में भी जो मसाले हैं उनकी कीमतें अपनी खुशबू बिखेरती हुई नजर आएंगी, जैसा अजय जी ने बताया। यहीं से अजय जी नजर डालें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की ओर, तो ग्वार में हमने रिसेंटली नए हाइज भी लगते हुए देखे हैं, काफी अच्छे खासे अट्रैक्टिव लेवल्स भी अचीव होते हुए नजर आए थे, 13,000 के ऊपर भी कारोबार करता हुआ देखा है ग्वार गम को, वहीं ग्वार सीड 7,000 के पार भी जाता हुआ नजर आया था, लेकिन अब देख रहे हैं कि ग्वार गम 12,100 के दायरे में और ग्वार सीड 6,400 के घरों में कारोबार कर रहा है, आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से NCDX का मार्जिन बढ़ाने का फैसला सामने आया है, तो क्या इससे ग्वार की कीमतें और टूटेंगी या फिर निचले स्तर से अभी भी खरीदारी बाकी है? देखिए फ्रेंकली अगर बात करें तो पिछले 2 साल से मैं भी काफी तेजी में था, और जी जन से हमने पहले भी चैनल्स पे बताए हुए हैं कि 15 मार्च से हमें तेजी दिखाई दे रही थी, और उसके बाद हमने देखा भी कि प्राइसेस 3700 से 5767 तक के भी जंप आते हुए दिखाई दिए। एज ऑफ नाउ जो अगस्त और सितंबर में तेजी आई थी वो जस्टिफाइड नहीं थी, जिसके चलते हमने लॉन्ग पोजिशन को बुक करवा कर अब न्यूट्रल स्टेज पे बैठे हुए। पूरे एग्री पैक की बात करें तो मुझे लगता है ग्वार सीड ग्वार कॉम्प्लेक्स में एज ऑफ नाउ प्राइस फेयर नहीं है, एक करेक्शन का हम लोग उम्मीद रख रहे हैं। सेलिंग इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि स्पेकुलेटिव मूव या वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा है कि रोज हम देखते हैं कि 6% का लोअर सर्किट या अपर सर्किट बनता हुआ दिखाई दे। तो करंटली मैं न्यूट्रल हूं ग्वार सीड ग्वार गम पे, करंट लेवल पे बाइंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए ग्वार सीड और ग्वार गम में। डाउन साइड में मुझे लगता है कम से कम आपको मिनिमम 5400 का तो वेट करना ही चाहिए ग्वार सीड में,
बाइंग करने के लिए या नया रिव्यू लेने के लिए, और वहीं गवार गम की भी बात करें तो जनवरी से अभी तक 100% से ज्यादा की तेजी आ चुकी है कोई भी इंडस्ट्री के लिए एज ए इनपुट गवार गम। अगर प्राइस 4 से 6 महीने के अंदर डबल हो जाता है तो इसके अल्टरनेट्स अवेलेबल है मार्केट में। जैसे ऑयल इंडस्ट्री के लिए हम देखते हैं एफआर या स्लिक वाटर का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है क्योंकि उनके प्राइस स्टेबल होते हैं, तो करंट लेवल से गवार से गवार गम में न्यूट्रल रहना ज्यादा अच्छा है। शॉर्ट की भी सलाह नहीं दूंगा तो लॉन्ग की भी नहीं, बट एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि 5300-5400 का लेवल गवार सीड के लिए फेयर प्राइस रहेगा, और गवार गम के लिए मुझे लगता है कि करीबन 9500 से 9800 का फेयर प्राइस रहेगा। रेशियो के हिसाब से देखें तो अभी भी मुझे लगता है कि गवार गम अट्रैक्टिव है गवार सीड के मुकाबले, बट करंट लेवल से बाइंग नहीं बनती है गवार सीड और गवार गम में। जी, तो यानी कि ग्वार में अभी थोड़ा रुक जाएं, थोड़ा निचले स्तर भी देखने को मिल जाएं, थोड़ा एनालिसिस कर लें, उसके बाद ही ग्वार के ऊपर अपना कोई डिसीजन ले। यही सर जी, बात करेंगे सोयाबीन की, तो सोयाबीन में हमने काफ़ी ज़्यादा रेंज बाउंड देखा है। सोइंग के टाइम पे कीमतें काफ़ी अट्रैक्टिव थी, काफ़ी अच्छे लेवल्स थे, लेकिन फिर सरकार के सोया खली के आयात करने के फैसले से भी कहीं ना कहीं डाउनफॉल देखने को मिला है, और अब जो उत्पादन का आंकड़ा है सोपा का वो भी पहले के मुकाबले 14% ज़्यादा है, लगभग 119 लाख टन के अराउंड बताया जा रहा है जो सोपा द्वारा आंकड़े जारी किए गए हैं। आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से अब इतने सारे फैसले आ चुके हैं खाद्य तेलों की ड्यूटीज़ को लेकर, सोयाबीन के ऊपर लेकर और स्टॉक लिमिट को लेकर खाद्य तेलों की, तो ऐसे में अब सोयाबीन का बाज़ार इस साल के अंत तक और आने वाले साल में कैसा रह सकता है? देखिए, कहावत होती है शेर आया शेर आया। अब अगर हम, जैसे आपने भी बताया है कि जितने भी बड़े इवेंट होने थे वो एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में ऑलरेडी हो चुके हैं, तो आई थिंक जो डर का माहौल बना था कि गवर्नमेंट कुछ एक्शन लेगी वो सारे डर निकल चुके हैं। नो डाउट हमने देखा है कि गवर्नमेंट इन्फ्लेशन कंसर्न्स को देखते हुए चने पे मस्टर्ड पे कुछ एक्शन लिए भी थे, बट ऐसी उम्मीद नहीं है कि वो सोयाबीन पे भी ले। बट ओवरऑल मुझे दो चीज समझ में आती है, पहला नो डाउट सोइंग अच्छी हुई है, प्रोडक्शन अच्छा है, सोपा के भी जो नंबर्स आप बता रहे हैं उसमें भी एक अच्छी ग्रोथ बता रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कंसर्निंग जो है वो डिमांड को लेकर है, क्योंकि मैंने जितने भी ट्रेडर से इंडस्ट्री वालों से बात की है सबको जो एक्सपीरियंस है वो पास्ट का एक्सपीरियंस है। पास्ट में हमने कभी भी ऐसा पैंडामिक जैसा सीनरी देखा नहीं है। एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि पैंडामिक को सबने एक पैसिमिज्म तौर पर लिया है, जिस ढंग से हमने इस बार दिवाली के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर सवा डिमांड देखी है 100 के मुकाबले 125 देखी कोई भी सेक्टर में, तो सिमिलरली एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स के अंदर भी मुझे लगता है ये डिमांड सिनेरियो और तेजी से बढ़ेगा। सोयाबीन के अंदर पॉलिट्री इंडस्ट्री की जो डिमांड है वो कंटिन्यू बनी हुई रहेगी और आगे भी बनेगा। अराइवल प्रेशर के चलते मुझे लगता है कि अगले महीना भर मार्केट एक दायरे में रहेगा, जो 5100 के नीचे या 5000 के नीचे बिल्कुल जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, हायर साइड में 5700-5750 ये दायरे में ही रहेगा, बट बेच के काम बिल्कुल नहीं करना है, थोड़ा भी पुल बैक आए लेके चलिए। अगर हम जनवरी के अंत तक की बात करें तो हमें लगता है प्राइजेस 6300 से 6400 का भी लेवल दिखा सकता है। वहीं फार्मर्स के लिए एक्सचेंज के ऊपर ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल्स है, जहां पे वो सोइंग के समय ऑप्शंस के अंदर बेचकर मतलब पुट लेकर काम कर सकते हैं ताकि वो अपनी प्राइस को लॉक कर सकते हैं। तो ओवरऑल सोयाबीन में मुझे लगता है बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति ही अपनाइए, जनवरी फरवरी तक का व्यू लेके चलिए, 6200 तक के लेवल हम सोयाबीन में भी देख पाएंगे। जी, तो यानी कि सोयाबीन भी उन कमोडिटीज में शामिल हो सकती है जिसमें निचले स्तर पर खरीदारी करके चला जा सकता है और अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है, सिर्फ इस साल के अंत तक नहीं, साल 2022 में जनवरी फरवरी के अंत तक भी सोयाबीन की जो कीमतें हैं वो 6200-6300 का लेवल दिखलाती हुई नजर आ सकती है। यही सर जी, बात करें अगर MCX कॉटन की, तो कॉटन में आपको क्या लगता है, क्योंकि हमने रिसेंटली कॉटन की कीमतों में काफ़ी अच्छे लेवल्स आते हुए देखे हैं, फंडामेंटल्स भी काफ़ी मजबूत हैं और प्रोडक्शन भी कम बताया जा रहा है, आपको क्या लगता है कॉटन में आगे क्या नए लेवल्स देखने को मिल पाएंगे और नेक्स्ट ईयर कॉटन के लिए कैसा देखने को मिल सकता है? देखिए, कॉटन की जगह अगर हम बात करें इसको सफेद गोल्ड की, सफेद सोने की, तो जिस ढंग से सोने ने एक अच्छी खासी रैली दिखाई है वैसा ही कुछ रैली कॉटन में भी है। जनवरी से अभी तक हमने करीबन 7% की तेजी आती हुई देखी है, और पहली बार पिछले 5 सालों में हमने देखा कि $1 का लेवल हमने इंटरनेशनल आइस कॉटन को भी ब्रीच होते हुए देखा है। 3-4 चीजें जो इंपॉर्टेंट है, पहला है हमारा इस बार का प्रोडक्शन जो 370, 360, 353 और अब कहीं ना कहीं अटकलें लगाई जा रही है कि 330-335 भी हो सकता है। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि पिंक बॉल वॉर्म, मानसून की अनसर्टेनिटी, इसको देखते हुए हमने कंटिन्यू यील्ड में और प्रोडक्शन में ड्रॉप देखा है। दूसरी ओर पिछले 1.5 साल से हमने देखा टेक्सटाइल इंडस्ट्री
कोरोना के कारण, लॉकडाउन के कारण काफी ज्यादा सफर की थी, तो इस बार हमने टेक्सटाइल की डिमांड में एकाएक बहुत बड़ा जंप आते हुए देखा है, जिसका एक सपोर्ट कॉटन को भी मिल रहा है। ग्लोबल मार्केट में भी शॉर्टेज वाला माहौल बना हुआ है, जो हमें लगता है वो कंटिन्यू अगले 6 महीने तक चलेगा। कॉटन के हायर पाव पे होता यह है कि डिमांड थोड़ी बहुत शिफ्ट होती है पॉलिस्टर पे, लेकिन इस बार क्रूड की तेजी के चलते पॉलिस्टर भी महंगा है और अदर कपड़े के जो मैनमेड फाइबर है उसकी भी कॉस्टिंग बढ़े होने की वजह से कॉटन को उसका भी सपोर्ट मिल रहा है। अराइवल के चलते हमने देखा बीच बीच में थोड़े बहुत करेक्शन आते रहते हैं, बट अगले 2 से 3 महीने की बात करें या फरवरी मार्च की बात करें तो आई एम वेरी मच बुलिश ऑन कॉटन। डोमेस्टिक मार्केट में मुझे लगता है 38,000 तक का लेवल भाव कॉटन में दिखा सकता है। वहीं आइस के अंदर भी हम 140 मतलब $1.40 तक का भी लेवल कॉटन में देख सकते हैं, क्योंकि सप्लाई कंसर्न और डिमांड जिस दिन से इंप्रूव हो रही है ये कॉटन को अभी भी सपोर्ट करते हुए दिखाई दी। जी अजय जी, आपकी तरफ से वो टॉपिक्स क्या रहेंगे जिनके अंदर इस साल 2021 के अंत तक और साल 2022 के स्टार्टिंग में अच्छे मुनाफा कमा के चला जा सकता है? एग्री कमो, पहली बात तो मैं पिछले 1.5-2 साल से कंटिन्यू सभी चैनल्स पे कहा है कि ये कमोडिटी की सुपर साइकिल है। अगर आप S&P 500 वर्सेस कमोडिटी इंडेक्स देखेंगे तो वो इन्वर्टेड है, इसका मतलब कमोडिटी में कोई भी कमोडिटी आप ले लीजिए इसमें जबरदस्त तेजी मिल रही है, चाहे सोना चांदी क्रूड बेस मेटल जिनमें ऑलरेडी ले। वहीं अगर एग्री की बात करते हैं तो एग्री में डेफिनेटली मुझे लगता है 2022 भी अच्छा रहना है। अगर पिक की बात करें तो सबसे अच्छा आइटम मुझे लगता है स्पाइसेस के अंदर जीरा और धनिया। जीरे और धनिया में कंटिन्यू हमने कैरियर स्टॉक में ड्रॉप आते हुए देखा है, डिमांड में इंप्रूवमेंट है, एक्सपोर्ट लाइन पूरी खाली पड़ी है। जनवरी फरवरी में एकाएक बहुत बड़ा जंप देखने मिलेगा, जहां पे जीरे में मुझे लगता है 21,000 का भाव और धनिया के अंदर करीबन 12,000 तक का लेवल दिखा देगा। और लास्ट एक कमोडिटी है जो इनसे भी ज्यादा तेज लगती है मुझे, वो है कॉटन सीड ऑयल के 2500 के करीब का भाव है। मार्केट नवंबर दिसंबर में कंसोलिडेट करके थोड़ा थोड़ा तेजी करता हुआ दिखाई देगा। मार्च अप्रैल तक का अगर किसी की व्यू लेके चलते हैं तो सबसे ज्यादा तेजी कॉटन सीड ऑयल केक में रहेगी, जो 3800 से लेकर 4000 तक का भी लेवल दिखा सकता है। जी तो यानी कि स्पाइसेस के अंदर धनिया और जीरा काफी अच्छा रहेगा अगले साल के लिए, और अभी बिनौला खल। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो ये हैं वो दो टॉपिक्स जिनके अंदर साल 2021 के अंत तक और साल 2022 के शुरुआत में अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है, और ऐसा नहीं है कि बहुत ही थोड़ा बहुत मुनाफा देखने को मिलेगा, जैसे कि अजय जी ने बताया काफ़ी अच्छा शानदार मुनाफा देखने को मिल सकता है। तो उनकी तरफ से ये आप सबके लिए टॉपिक्स रहेंगे। फिलहाल बाजार की चाल में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।